गुड मॉर्निंग, एके एम इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे थर्मोस्टेट डबल स्टेज, ठीक है ना। ये टू स्टेज का थर्मोस्टेट है। तो टू स्टेज का थर्मोस्टेट है, ये कैसे काम करता है, किस प्रकार काम करता है, ये हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में सिंगल स्टेज का हम लोग बनाए थे डायग्राम, कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में, ठीक है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो बोर्ड पर आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये डबल स्टेज थर्मोस्टेट का है, ठीक है, यानी कि टू स्टेज थर्मोस्टेट, ठीक है। अब देखिए थर्मोस्टेट में यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये थर्मोस्टेट का डिस्प्ले है। डिस्प्ले पर ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए थर्मोस्टेट का ये वायर कनेक्ट करने वाला पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। और यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, ये जो है ट्रांसफार्मर है, जो 24 वोल्ट माइनस यानी कि न्यूट्रल और 24 वोल्ट प्लस यानी कि फेस, ठीक है, जो कि यहाँ पर सी के पॉइंट पर कनेक्ट किया गया है और फेस जो है आर पर, ठीक है। ये 24 वोल्ट न्यूट्रल है और 24 वोल्ट फेस है, ठीक है, जिसका सप्लाई ट्रांसफार्मर से आ रहा है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले है किसका, थर्मोस्टेट का। देखिए थर्मोस्टेट टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि थर्मोस्टेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग, ठीक है ना। थर्मोस्टेट दो प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। इसका काम क्या है, टेम्परेचर को सेंस करना है, सिर्फ ये टेम्परेचर को सेंस करता है, ठीक है। टेम्परेचर को सेंस करता है, कैसे करेगा इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। देखिए इसमें चार ठो बटन है, चार, यहाँ पर दो, ये दो, चार बटन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या फैन का, यहाँ पर फैन है, फैन का सिस्टम है, इधर कंप्रेसर का सिस्टम है, ठीक है ना। अब देखिए फैन का दो मोड होता है, फैन का दो मोड होता है, एक ऑटो और एक ऑन। ऑटो में रहेगा, जब पूरा सिस्टम एक साथ काम करेगा तो फैन ऑटो में चलेगी, यानी कि ऑटो में रहेगा तो फैन स्टार्ट रहेगी। ऑन में अगर रहता है तो रेगुलर चलते रहता है, ठीक है। अब देखिए इधर कूल मोड में, यह सिस्टम में कूल में, तो कूल मोड में देखिए कंप्रेसर का तीन मोड होता है, कंप्रेसर का तीन मोड होता है, एक हीट, एक कूल और तीसरा ऑफ, ठीक है। एक हीट, एक कूल और तीसरा होता है ऑफ का, ठीक है। ये कंप्रेसर का मोड होता है, कंप्रेसर तीन मोड है। कोई भी आपको क्वेश्चन करेगा कंप्रेसर का कितना मोड होता है, तो सीधा बताइए तीन मोड। कोई भी इंटरव्यू देने जाने के लिए आप जाएंगे तो वहां पर क्लाइंट आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। जो भी AC टेक्नीशियन है, HVAC टेक्नीशियन है, सबसे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये ऑटो है, ये कूल है। अभी हम लोग का सिस्टम जो है कूलिंग मोड में है, यानी कि ठंडा कर रही है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा वायर है, किस पर कनेक्ट होता है, ये भी देखिए। देखिए ये आर पर फेस आ गया, और वाई जो है कंप्रेसर का वायर है, वाई जो कंप्रेसर का वायर है, जो वाई के पॉइंट पर कनेक्ट होगा एलो, इसको एलो बोलते हैं। कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंप्रेसर का जो भी रहेगा वो वाई के पास ही कनेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे। कलर दूसरा भी हो सकता है, कलर के लिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी पर हमारा न्यूट्रल है। अब देखिए ये W है ना, W के पास, यानी कि W का होता है व्हाइट, व्हाइट पर हमेशा हीटर रहता है, ये माइंड में फिट करके रखना है कि W अगर पॉइंट रहेगा तो उस पर हीटर का कनेक्शन दिया जाएगा, उसका वायर यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए जी का मतलब हो गया ब्लोअर, ठीक है, कोई फैन कहता है, कोई ब्लोअर कहता है, तो यहाँ पर ब्लोअर का कनेक्शन किया जाएगा, उसका वायर का कनेक्शन किया जाएगा। अब देखिए ये डबल स्टेज है, चूंकि अगर दो कंप्रेसर होगा, दो हीटर होगा, उसके लिए यहाँ पर जगह दिया हुआ है। अब देखिए हीटर है ना, अगर एक हीटर तो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर दिए, अगर एक और हीटर है डबल स्टेज में, दूसरा हीटर है तो यहाँ पर W2 पर कनेक्ट होगा, ठीक है। और एक और कंप्रेसर है, उसका Y2 पर कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसका वायर
वाई टू पर लगेगा। अब देखिए ये काम कैसे करता है, सबसे पहले देखिए ये काम कैसे करता है। देखिए इसमें भी 5 मिनट का डिले प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 5 मिनट का डिले प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, डिले प्रोवाइड करेंगे। देखिए अगर पावर सप्लाई आती है हमारे सिस्टम में, पावर सप्लाई अगर ऑन होगा तो सबसे पहले क्या चलेगा, फैन चलेगा। ठीक है, फैन चलेगा। ठीक है, तो जब फैन चलेगा अब रूम का टेम्परेचर सेंस करता है किस प्रकार से। अगर मान लीजिए कि 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री रूम में हम टेम्परेचर सेट करके रखते हैं 20 डिग्री, तो देखिए अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है तब तो कंप्रेसर का मान नहीं देगा। ठीक है ना, अगर नहीं है तो 5 मिनट बाद, क्योंकि 5 मिनट का उसमें डिले सेट किया जाता है, 5 मिनट बाद एक कंप्रेसर को का मान देगा कि अब स्टार्ट हो जाओ, यानी कि ऑन हो जाओ, रूम को ठंडा करना है। ठीक है, कंप्रेसर चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर एक कंप्रेसर चालू हो गया और उसके बाद से भी रूम में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, यानी कि 20 डिग्री हम लोग सेट करके रखे हैं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, तो 5 मिनट के बाद वाई टू को यानी कि दूसरे कंप्रेसर को कमांड देगा कि अब बाबू तुम ही स्टार्ट हो जाओ, रूम ठंडा नहीं हुआ है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काम है हमारा थर्मोस्टेट का, ये काम है हमारा थर्मोस्टेट का। देखिए तो थर्मोस्टेट का मेन काम है टेम्परेचर सेंस करना। फिर अगर टेम्परेचर अगर 20 डिग्री रूम में अगर सेट किए हुए हैं तो अगर 20 डिग्री मतलब पूरा हो चुका है तो थर्मोस्टेट सेंस करेगा कि चलिए पूरा हो गया, फिर कंप्रेसर को कमांड देगा कि कट ऑफ करना है, तो तुरंत यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगी। ठीक है, ये काम है हम लोग का हमारा थर्मोस्टेट का। ध्यान में रखिएगा थर्मोस्टेट दो टाइप के होते हैं, ठीक है, डिजिटल और एक एनालॉग। ठीक है, डिजिटल और एक एनालॉग, यानी कि दो प्रकार के थर्मोस्टेट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ थर्मोस्टेट, यानी कि दो प्रकार के थर्मोस्टेट होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। ठीक है, अब देखिए फैन का दो मोड होता है, एक ऑटो एक ऑन। कंप्रेसर का 3 मोड होता है, ठीक है ना, कूल हीट ऑफ, ये हमारे थर्मोस्टेट में होता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी एसी टेक्नीशियन है, एचवीएसी टेक्नीशियन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।